फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कैसे बनता है आलू टिक्की बर्गर। देखिए, बिल्कुल देखने में मैकडॉनल्ड्स की तरह लग रहा है जैसे हम पैक करा के लाए हैं। बर्गर के लिए हमें ज़रूरी है मेयोनीज मिक्स। तो मेयोनीज मिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है मेयोनीज, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे केचप। मेयोनीज और केचप को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर ली है मेयोनीज और केचप। बिल्कुल इसका कलर चेंज होके ऑरेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे तकरीबन आधा कप मटर और कॉर्न्स का, मिक्स करके लेंगे दोस्तों हम ये, और इसे हम माइक्रोवेव में तकरीबन 1 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो आप पैन में भी बॉईल कर सकते हैं इसे। चलिए, जितने में ये बॉईल हो रहा है, अब हम राइस फ्लेक्स, और जिसे आप पोहा भी कहते हैं, उसे सोख करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और उतने में हम एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होने लगे हम इसमें आधा कप चॉप किया हुआ अनियन डाल देंगे, और अनियन को अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। अनियन सॉटे करते हुए हम इसमें डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर भी डालेंगे हम यहाँ पर, और साथ ही साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अमचूर पाउडर डालने से बिल्कुल टेस्ट मैकडॉनल्ड्स जैसा हो जाएगा। अब हम इसमें जो हमने बॉईल किए थे मटर और कॉर्न्स, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अभी जब मटर और कॉर्न्स रोस्ट हो रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए पोटैटोज़। पोटैटोज़ को हमने अच्छे से पहले ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे अपने मिक्सचर में डालेंगे और इसे अच्छे से हम मैश कर देंगे। देखिए कैसे यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मैश कर दिया है। अब हम इसमें हमने जो सोक किया हुआ था पोहा, वो भी मिक्स कर लेंगे, और पोहा डालने के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा कम आपकी मर्जी। अब हम इसे मैश कर लेंगे थोड़ा, और जैसे ही अच्छे से मैश हो जाए, हम इसे टाइटली रोल करके एल्यूमिनियम फॉइल में फोल्ड कर देंगे। अच्छे से इसे फोल्ड करने के बाद और सील करने के बाद हम इसको लेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपने जो मिक्सचर है उसे काट कर उसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब हमने जो ये मिक्सचर लिया है, इसे हम कॉर्नफ्लोर और मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। पहले हम ड्राई कॉर्नफ्लोर और मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद हम स्लरी बनाएंगे एक कॉर्नफ्लोर और मैदे की ही, और इसे अच्छे से उसमें डिप कर देंगे। ये करते हुए आप अपना एक हाथ सूखा रखिएगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से ढक रहे हैं, तो अगर आपके दोनों हाथ गीले होंगे तो पूरे हाथ में आपके कॉर्नफ्लोर चिपक जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक हाथ बिल्कुल सूखा रखा है, इसलिए मेरे एक हाथ पे ही चिपका है, दूसरे हाथ पे नहीं। अच्छे से हम इसे कोट कर लेंगे, इससे क्रिस्पीनेस आएगी। अब हम मीडियम हॉट ऑयल में अपनी टिक्की को डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हुई हुई है यहाँ टिक्की। अब हम एक ग्रिडल पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे, और जो बर्गर बंस हैं उसे लेंगे और अच्छे से उसे टोस्ट कर देंगे। जैसे ही बर्गर बंस टोस्ट हो जाएंगे, हम इस पर अपना जो मेयोनीज का मिक्स हमने रेडी किया था वो लगा देंगे, और अपना बर्गर असेंबल करना शुरू करेंगे। मेयोनीज लगाने के बाद हम इस पर रखेंगे अपनी बर्गर की टिक्की, और साथ ही हम इस पर रख देंगे थोड़े कैरमलाइज किए हुए अनियंस। आप चाहें तो कच्चे अनियंस भी लगा सकते हैं इस पर,
जैसे आपको टेस्टी लगते हो, मुझे यहाँ पर कैरामलाइज किए हुए अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैरामलाइज लिए हैं। अब मैंने इस पे टमाटो डाल दिया है और साथ ही मैं इस पे अब थोड़ा सा क्यूकम्बर भी डाल दूँगा। और जो टॉप वाला बन है हमारा, उस पे भी हम मेयोनीज का मिक्सचर लगा लेंगे। और देखिए हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे टूथपिक के साथ पूरे अच्छे से असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू गाइज।